अस्सलामुअलैकुम गाइस, होप आप लोग खैरियत से होंगे। एक और मज़ेदार रमज़ान स्पेशल रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं चिकन की कचौरी। स्ट्रीट फूड लवर्स को बहुत अच्छी तरह से पता होगा कितनी चटकारेदार मज़ेदार सी ये चीज़ होती है। चलें आएँ स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की मज़ेदार चटकारेदार रेसिपीज़ आपको देखने को मिलें। डो के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 2 कप मैदा। उसमें मैंने 1/2 टीस्पून नमक डाला है। 3 से 4 टेबल स्पून इसमें मैं ऑयल डालूंगी और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और उसको अच्छी तरह से गून लूंगी। जब ये डो की फॉर्म में आ जाएगा तो इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छा सा हमारा डो तैयार हो जाए। डो हमारा रेडी हो चुका है, अब हम फिलिंग बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून ज़ीरा और धनिया भुना हुआ, 1 टीस्पून हमने इसमें कुटी मिर्च ली है, 1 टीस्पून हमने इसमें नॉर्मल मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून हमने इसमें कुटा हुआ लहसुन लिया है और नमक हमने इसमें हसबे ज़ायका लिया है। 350 ग्राम इसमें हम चिकन का कीमा लेंगे। 1 अदद छोटा टमाटर हम उसको ब्लॉक्स की शक्ल में काट लेंगे। 1 फ्राइंग पैन में हम 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। उसमें जो है लहसुन को डाल के थोड़ा सा सौते कर लेंगे। जब वो अच्छी तरह से कड़कड़ा जाएगा और उसकी स्मेल आना शुरू हो जाएगी तो उसमें हम चिकन का कीमा ऐड कर देंगे। उसको हल्का सा भूनेंगे, वो वाइट हो जाएगा तो उसमें हम सारे मसाले ऐड कर देंगे और उसको हल्का सा भून लेंगे। मसाले देखिए आप अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हमने जो टमाटर काट के रखा है हम उसे ऐड कर देंगे इसमें। हल्का सा भूनने के बाद इसको हल्की आंच पे हम छोड़ देंगे ताकि इसी टमाटर के पानी में हमारा कीमा गल जाए। ये देखें जी, बहुत अच्छी तरह से कीमा हमारा गल गया है। इसको अब हम तेज़ आंच करके अच्छी तरह से भून लेंगे। जब ये अच्छी तरह से भून जाएगा तो इसमें हम तकरीबन 1 मुट्ठी हरे धनिए की, 2-3 हरी मिर्चें और 1 छोटी प्याज को ऑमलेट की तरह काट कर इसमें ऐड कर देंगे और उसको फिर तेज़ आंच पे अच्छी तरह से भून लेंगे। कीमा हमारा रेडी हो गया, इसको अब हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। डो जो हमने अपना सेट करके साइड पे रखा था वो अच्छा सॉफ्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, छोटा सा एक पेड़ा बनाएंगे। साइज़ मैंने आपको दिखा दिया है, उसे फॉलो कीजिएगा आप प्लीज़। उसको जो है आप बेल लीजिए रोटी की तरह। बहुत बड़ा मत कीजिएगा, बहुत पतला मत कीजिएगा और बहुत मोटा भी मत कीजिएगा। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से आपको बेलना है। ये देखें, देखें इस तरह से आपको बेलना है। ये आपको जो है साइज़ रखना है और इतना ही आपको पतला रखना है, बहुत मोटा भी नहीं करना, बहुत पतला भी नहीं करना। और जो हमने जो है फिलिंग बनाई थी उसको हमने बीच में रखा और जिस तरह से मैं आपको फ़ोल्ड करना सिखा रही हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से आपको फ़ोल्ड करना है, ठीक है। और इसको बंद करने के लिए आप ऑयल भी यूज़ कर ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। वैसे ही कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, जितना कम से कम चीज़ें ऐसी यूज़ की जाएँ वो ज़्यादा बेहतर है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। इस तरह से आप इसको सारी अपनी कचौरियाँ रेडी कर लेंगे। ऑयल को गर्म करके एक एक करके आप अपनी कचौरियाँ डालेंगे। उनको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, टोटली अप टू यू। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी कचौरियाँ कैसी बनी। होप आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम खिजरान हंगर लैब के नाम से ही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपको देखने को मिलें।